अच्छा भला काम चल रहा था, बीच में भाई आग लग गई थी। कह रहा तो उतार दे, आग लगने लगी है, तू मान ही नहीं रहा, ये फिर भी बचत हो गया। ब्रदर क्या कर रहे हो? जब गाड़ी ठीक थी तब नहीं मिला, अब नहीं मिला ये, अब मिल गया भाई जी। अपनी स्क्रीन तकरीबन बाहर आ चुकी है। अलैकुम, क्या हाल चाल है यार? की हो रहा है भाई? कुछ नहीं हो रहा है, कर दो फिर। यार सीन ये है कि हम ना इसका डैशबोर्ड बाहर निकालने लगे हैं, कुछ ऐसे हैं। और हम निकाल क्यों रहे हैं वैसे? इसके हमने इंटीरियर के सामान जो है ना वो पूरे करना है। हमारा जो मेन मसला है वो ये है, उधर करना उठाऊंगा। उस्ताद नीचे कोई चादर बिछाओ। थोड़ा यस ऐसे नहीं उतरेगी। फिर हम उतार नहीं लेते हैं, हमें तो ये इसका ये उतारो रबड़ पहले गोला, ये उतार के ना उसमें, हाँ इसको गोले को उतारो, उतार के तार फड़ो, तो डेंटर साहब को क्लच भी उतारो, फंसा दे पुरा करके सारी फेर दो, ये ऐसे नहीं बाहर आएगी। एक मिनट ली भी दोबारा उतारना, एक मिनट हाथ हूथ कटवा, कोई कंटेंट आए। राम राम से खींच यार, ये दो सही जो हो गया ना, गले लग जाने भाई। गोला कहाँ से मिलना है इसका? जापान से ब्रो। इस वजह से क्या ब्रो, मैं शिया बढ़ गया। ओहो, ऊपर के अंदर, ऊपर से कि नीचे से? और शीशे के साथ मस्तियां कर, बड़ा तू सलमान खान बनने चला था। आग से स्क्रीन छोड़ दी। इसको संभाल लो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। संभाल लिया फिर मारने का आएगा तू? इज्जत ही नहीं है कसमें, इसलिए तेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। मैं अंदाजा लाया, वो प्रेजेंट लाके बेची है। आ, गाड़ी नहीं है यार। सस्पेंशन की जो सीन है ना, वो अपडेट ये है कि इसकी जो सस्पेंशन है वो हम लोगों ने मंगवा लिया इस्लामाबाद से। मैं मिल गई थी कंगी और चिमटे, हमने इस्लामाबाद से मंगवा लिए कूपन के अपने ही, तो उसका वेट है। तो फिर मैंने कहा कि उस वेट के दौरान क्यों ना हम इसके इंटीरियर के सामान, वो भी हमें कहीं से सोर्स हो गया है, तो हम वो चीज़ें क्यों ना पूरी कर लें। तो इसलिए फिर इसका डैशबोर्ड वगैरह खोल रहे हैं, और थोड़ा सा ये मुश्किल काम भी है क्योंकि कूपन का कभी डैशबोर्ड खोला नहीं था, कंप्लीट डैशबोर्ड। लेकिन ये है कि यार करना तो पड़ना ही। अब यार आज भी इसका बोनट क्यों नहीं उतार लेते हम? एक साइड तो बेच करते नहीं क्यों उतारना? अरे आसानी नहीं हो जाएगी? हाँ नहीं, बाद में उतार लेंगे। इसका पीस नहीं है इस साइड का, ये पीस स्कर्दू रह गया, वो उसमें भी नहीं आया कार्टन में। नहीं कार्टन में भी नहीं। ये क्या कर रहे हो? आपको भी पता था बस लग गए ऐसे यार, वो स्क्रीन के अंदर डाल दिया ना। ये मैंने वैसे पहली दफ़ा सीन सुना है। उसमें वो लॉन्चर की देखा नहीं था, कितनी हमने औखे होकर ब्लेड से उतारी थी, सारों ने हाथ बेची जल उगाया था वही ना। ये कोई पहली स्कीम है, चेक करते हैं, मज़ेदार लग रही है। मैं भी इसलिए लगा हो, हमने भाई तार से किसी तरह स्क्रीन निकालनी है कि अंदर भी ना गिरे और मेरे ख्याल में हाथ पे भी ना फिरे, तो सिंगल पीस में बाहर रहेगी। ये भी इसी में है, ये भी इसी। चलो उस्ताद जी कुछ कर रहे हैं गरम गरम। प्लास्टिक तो नहीं था? नहीं लोहा, नहीं लोहा है उस्ताद जी। कहाँ तक पहुँचो भाई? ये भाई जान ये पेशावर आ गया। कर क्या रहे हो? मेरी समझ अभी तक नहीं आई। उतनी देर में मुझे लगता है उस्ताद जी ने वैसे ही खोल देनी स्क्रीन। रुको जरा, सबर करो, बोला ना खोलो।
हेलो हाँ जी ना खोलो ना खोलिए अच्छे रहे हो आए आए ये क्या कर रहे हो स्क्रीन ही काट रहे हैं साहब वही गलत काम नहीं हो गया दोबारा वो जो लांसर की जिस तरह उतारी थी मेरी अपनी स्क्रीन ऑलमोस्ट उतर गई है ये साइड भी होगी ना लेफ्ट वाली नीचे से रह गई है और मेरे ख्याल राइट साइड रह गई है यार लेकिन अब्दुल्ला मेरा ख्याल है मैं अंदर ना कोई चादर बिछा लेनी चाहिए मतलब अंदर वो देखना अंदर क्या हो रहा है लाइट रखे वो वैक्यूम मार देंगे ये सारी बत्ती की लाइट भाई जी अपनी स्क्रीन तकरीबन बाहर आ चुकी है भाई जी स्क्रीन ऑलमोस्ट बाहर आ गई भी है अब अपनी घड़ी कन्वर्टेबल के साथ इसको क्या कहेंगे हम स्क्रीनलेस ऐसे ही जाएगी यूओएल के ऑटो शो पे पहली फुर्सत में निकल पागल है गई अपनी स्क्रीन गई वो मेरे ई टैग में बड़े पैसे थे यार डैशबोर्ड बच गया यहाँ से ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਾ ਕਪੜਾ ਮਾਰੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੈਕਿਊਮ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਵੈਕਿਊਮ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥਾ ਬੀਚ ਮੇ ਭਾਈ ਆਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ तुझे मैं कह रहा था उतार दे आग लगने लगी है तू मान ही नहीं रहा ये फिर भी बचत हो गई है अच्छा पहले सो वो तो गई है ना अब डैशबोर्ड भी खोल सकता है स्क्रीन से हां चलो यार हां काफी बेहतर हो गया अब ये के काम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि अब काफी हद तक क्लियरिंग हो गई है लेकिन यार अभी भी थोड़ा बहुत रह गया है हाथों पे ना फिर बाकी मुझे कोई टेंशन है मेरे को बताया ही नहीं यार आपने काम शुरू कर दिया हाँ मैंने लगड़े को बात दे दो अब अपना प्लान क्या है सारा है बाहर का क्या हाँ सेम भाई टेंशन ना ले सबसे पहले आपने घबराना नहीं है खोल भी दी है सारी हाँ तो मैंने थोड़ा जहा घबरा लें दे वही हो रही यार इसमें ट्विटर थे यार ये ऐसा क्या प्रैंक हुआ है इधर ना पिलर होता है ना इसका जो इसमें ये जगह होती है ट्विटर की मुझे आज तक लगता था इसमें ट्विटर नहीं है लेकिन इसमें ट्विटर है चलता क्यों नहीं था कि भाई जान इसका ग्रिप ही यहाँ से लगा हुआ ही नहीं था कंपनी वाले यार ऐसे कंपनी वाले ऐसा क्यों करेंगे मैं पूछ के आता हूँ तो वैसे ट्विटर मजाक ही लगता है भाई की बड़े अरसे से ख्वाहिश थी इस मल्टीमीडिया की आखिरकार सोर्स कर लिया हमने लगेगा इधर ये चलाना भी है चल रहा कोई तरीका है भीख मांगने का यार मतलब वही जब आई स्क्रीन आई पहले गड्डी चले ना चले बात तो ठीक है
जाएगी। ऊपर से देख, ऊपर से नहीं बैठ रहा यार वो। मोबाइल यार तेरे रखे की तरह डिक्की तो नहीं पे कितने। ब्रदर क्या कर रहे हो? जब गाड़ी ठीक थी तब नहीं मिला, अब नहीं मिला ये, अब मिल गया ऐसा। वो ट्विटर भी लगे हुए इसमें, और ट्विटर मजे के बाद लगे टूटते थे हम। हाँ ग्रिप नहीं लगे, ग्रिप नहीं लगे हुए थे बस। कौन किसका काटता रहा? कंपनी वाले मारा, गाड़ी ही मारा। एयर बैग का ग्रिप बाद में लगाएंगे उसका। टेस्ट करें एयर बैग जाए, शुक्र कर अभी खुले नहीं है यार। है भी बचपन से ख्वाहिश थी बचपन, तेरे बचपन तो गाड़ी भी नहीं मिली यार। जब से है मेरे पास तब से इसकी बड़ी ख्वाहिश थी, अब ये आ गया गाड़ी नहीं। टोटल करवा लिया इसका, टोटल जेन्युइन है। वो भी वो भी बताऊंगा, आ जाए पहले फिर वो दिखाऊंगा। ओए हाँ तूने मुक्के मारे थे इसलिए पैसे ज्यादा लगे। मैंने जो मुक्के मारे थे 2500 में होना था, 4500 लगा है। और ये सारी मुश्किल हम लोग क्यों काट रहे हैं? सिर्फ इसकी वजह से। ये हमसे रेंज हो गया, मैंने कहा चलो इसको फिट कर लें। एक ये हमें मिल गया और एक वो मिल गया, वो तो देखो मैंने फौरन फिट कर लिया। ये आदमी की जिम्मे डाला है, बस इनसे हो गया यार। अभी ऐसे मैंने कभी जिंदगी में अपनी गाड़ी नहीं यार। यही देख दो लगे हाथ, आज तक मुझे नहीं समझ आई थी कि ये बटन किस चीज का है। किसका? ये वाला। तो ये मुझे भी नहीं पता किस चीज का। इसमें तो कर दो कि फुल ऑन रेत है। हाँ लेकिन जब डिटेल करनी होगी ना तब गाड़ी खोलेंगे। डैशबोर्ड खोल के करनी है? हाँ डैशबोर्ड खोल के करनी है एक बार फिर। इन्होंने अजीब ही स्कीम बनाई है, अगर एक रोला होती ना ये ग्रिल फौरन चेंज हो जाती। इन्होंने भाई डैशबोर्ड की बैक पे चार नट दिए हुए हैं, जिसके लिए हमें वो ग्रिल बदलने के लिए ये पूरा स्यापा झेलना पड़ रहा है। वैसे मीटर क्यों लाया? अच्छा अच्छा उतरना था उसके पीछे। सॉरी सॉरी सॉरी। ओ भाई जी हम लोग कामयाब हो गए हैं। मेरे को भी दिखाओ, बाहर आ गई, बाहर आ गई, बाहर आ गई। क्या सूरत हाल है इसकी? ऑपरेशन करिए सूरत हाल में गुफ्ता भी है। मंडे के फ्रंट तो दिखाओ, फ्रंट है ये? फ्रंट है मेरे हाथ च ना। अच्छा वो नहीं अंदर लगी हुई, बहुत अलग लग रही है, पैक थी ना वो। लेकिन फिर भी ये भी ठीक है, मतलब इसका जा ना देखते हैं इसको। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है यार? मेरी आवाज़ से पता ही लग रहा होगा तबीयत मेरी रात को बहुत एकदम शदीद वायरल जो इन्फेक्शन है वो हो गया, डाउन हो गई। तो अब सुबह मैं फिर निकला हूँ घर से, अब मैं कोई दवाई शवाई पकड़ के दफ्तर ही जा रहे हैं, काम वहीं से शुरू करेंगे। लेकिन क्योंकि ये वीडियो बहुत पहले ही लंबी हो चुकी है तो फिर मैं इसके साथ आगे का कंटिन्यू ही कर रहा। नेक्स्ट वीडियो पर इंशाल्लाह इसके अगले पार्ट आ जाएगा, आगे जो हमने इस पर काम किया डिंकी पर वो आ जाएगा। अभी के लिए यार मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।